हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं हूं नाजर शायद आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाजिश अडमी पर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एल की तरफ से अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी है एंड कितनी वैकेंसी है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या प्रोसीजर है ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के जॉब अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसीज की तो यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है कैटेगरी वाइज नेम ऑफ डिविजन है आसनसोल गुवाहाटी हावड़ा जोरहट खड़गपुर ये यह सारी यहाँ पर नेम ऑफ डिविजन है और भी है आप देख लेंगे और फिर राइट साइड देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी वैकेंसीज दी गई है तो इस रिक्रूटमेंट के लिए टोटल वैकेंसीज जो है वो हैटी नाइन अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे आगे अब हम बात करेंगे स्केड्यूल ऑफ इवेंट्स की तो देखिए इस फॉर्म को अप्लाई करना शुरू किया जा चुका है ट्वेंटी जनवरी टू से एंड इस अप्लाई करने का लास्ट डेट है टेंथ फेब्रवरी एंड आप अपना कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं फोर्थ मार्च 2023 ऑनवर्ड्स एंड एग्जामिनेशन होगा प्रीलिमिनरी एंड मेंस का तो वो होगा ट्वेल्थ मार्च को हो जाएगा प्री का एंड एग्जामिनेशन मेंस का जो होगा वो हो जाएगा एट अप्रैल से यहां पर देखिए जॉब रिक्वायरमेंट है स्टाइपेंड भी दिया हुआ है ड्यूरिंग द अप्रेंटिस पीरियड द कैंडिडेट सिलेक्टेड एज एन अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर विल बी पेड अ फिक्सड अमाउंट पर मंथ एज स्टाइपेंड एज पर द रूल्स ऑफ एल ऑफ इंडिया अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर्स अदर दैन दो एम्प्लॉई कैटेगरी शैल बी पेड इक्वल टू द minimum of the basic pay and the dns allowance theorem on the scale of pay applicable to development officers as on the date of commencement of the apprenticeship at present the amount of a stipend will be approximately 51,500 per month except in case of the candidate selected from LIC employee category and a probationary development officer at a specified headquarter in the area will be placed in the scale of थर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी टू टू थाउजेंड हंड्रेड एंड इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ स्टाइपेंड एंड अदर बेनिफिट एज पर द रूल्स इन फोर्स ऑन अपॉइंटमेंट एज अ प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर द बेसिक पे ऑफ 35,650 थाउजेंड पर मंथ और भी देखिए है कि कुछ पॉइंट्स हैं आप देख लीजिएगा अब हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप पीरियड की एंड अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर विल हैव टू अंडरगो थियोरेटिकल एंड फील्ड सेल्स ट्रेनिंग फॉर द पीरियड एज डिसाइडेड बाय एलआईसी ऑफ इंडिया द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ कमिनसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोबेशन भी दिया है अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन की एज ऑन फर्स्ट जनवरीबल अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया स्टेब्लिश अंडर अ स्टैचूर अप्रूव्ड फॉर द पर्पस और फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई एंड एप्लीकेंट फ्रॉम ओपन market for recruitment as an apprentice development officer in both urban and rural area should possess a bachelor's degree from a recognized university in india established under a statute अप्रूव्ड फॉर दर्पज ऑफ फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई अगर हम एज की बात करते हैं तो देखिए मिनिमम ट्वेंटी है एंड मैक्म थर्टी है एंड यहाँ पर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन दिए हुए हैं आप देख लेंगे तो चलिए हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की एज ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट एल आई सी एम्प्लॉय कैटेगरी इनके लिए है फॉर रिक्रूटमेंट इन अर्बन एरिया एंड फॉर रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया नॉट लेस थ्रीर्स ऑफ सर्विस आफ्टर कन्फर्मेशन इन क्लास थर्ड एड कैडर इन एल आई सी ऑफ इंडिया एंड फिर एल आई सी एजेंट्स कैटेगरी और अदर दैन एजेंट्स सच एज डी एस एज एफ सी एस एज इनके लिए तो इनके लिए है अर्बन एरिया में नॉट लेस दैन फाइव ईयरस एज एन एल आई सी एजेंट और अदर दैन एजेंट सच एज डी एस एज एफ सी इज एंड हैज़ ब्राउट नेट फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम ऑफ नॉट लेस दैन फाइव लैक्स ड्यूरिंग द इमीजिएटली प्रोसीडिंग फाइव फाइनेंशियल एंड नेट फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम ऑफ नॉट लेस दैन वन on 50 lives in any 3 of these financial years and in a rural area not less than 4 years as an LIC agent or other than agents such as DSAs FCs and has brought a net first year premium income of not less than 1 lakh on 50 lives per year in any 3 of the immediately preceding 4 financial years और अगर हम बात करते हैं अदर कैटेगरीज की जो कि ओपन मार्केट है तो इनमें प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु हैव एटलीस्ट टू इयर्स एक्सपीरियंस इन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री or in marketing of financial products now let's see selection procedure selection will be made on the basis of online test followed by an interview of the candidates who qualify in the online test and subsequent pre recruitment medical examination online test for others open market category the online examination shall be conducted in two phases for the candidates from open market category wise preliminary examination and main examination प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का हम पैटर्न देख लेंगे इनमें ऑफ द टेस्ट है रीजनिंग एबिलिटी जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे थर्टी फाइव मैक्सिमम मार्क्स होंगे थर्टी फाइव एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी होगा एंड ड्यूरे ऑफ टाइम होगा ट्वेंटी मिनट फिर नेक्स्ट एंड निम्डिकल एबिलिटी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे थर्टी फाइव मैक्सीम मार्क्स थर्टी फाइव मीडिय मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी ड्यूशन होगा ट्वेंटी मिनट्स का फिर नेक्स्ट एंड लास्ट इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे थर्टी मैक्मम मार्क्स होंगे थर्टी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा ऑन इंग्लिश एंड ड्यूशन ऑफ टाइम जो होगा वो होगा ट्वेंटी मिनट्स का तो टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो हो जाएगा वन आवर का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे हंड्रेड एंड टोटल मैक्सीम मार्क्स हो जाएगा सेवेंटी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग कैंडिडेट्स इक्वल टू ट्वेंटी टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन एंड सेकंड फेज मेन एग्जामिनेशन तो हम अब इसका देख लेंगे पैटर्न तो इसमें सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे फिफ्टी मैक्सिमम मार्क्स भी फिफ्टी मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो होगा इंग्लिश एंड हिंदी फिर नेक्स्ट है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल इंफेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबुलरी नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे फिफ्टी मैक्मम मार्क्स फिफ्टी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएगा इंग्लिश एंड हिंदी फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है इश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस विद स्पेशल इन्फिस ऑन नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है सिक्सटी मैक्मम मार्क्स भी सिक्सटी का है एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी है टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो जाएगा इस एग्जाम के लिए वन ट्वेंटी मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे वन सिक्सटी एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे वन सिक्सटी एंड हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट फॉर एल एजेंट्स एंड एल आई कैटेगरी तो सिलेक्शन ऑफ अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम एल एजेंट्स एंड एल आई कैटेगरी विल बी डन थ्रू अ सिंगल फेज एग्जामिनेशन दैट इज मेन एग्जामिनेशन इट विल बी एन ऑब्जेटिव टेस्ट विच विल भी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर वन मार्क्स द ऑब्जेटिव टेस्ट विल हैव कम्पोजिटि ड्यूरेशन ऑफ टू आवर्स दैट इज वन मिनट्स जो कि मैंने आपको पहले बताया अब देखिए यहाँ पर है एल एजेंट्स कैटेगरी के लिए पैटर्न जो आप देख लेंगे ये है एल आई सी कैटेगरी के लिए अब हम बात करेंगे पेमेंट ऑफ फीस की तो फॉर एस सी कैंडिडेट्स इनके लिए रुपीज वन हंड्रेड इंक्लूसिव ऑफ जी प्लस द ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड अदर दैन एस सी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फीस कम इंटीमेशन चार्जेस ऑफ रुपीज से इंक्लूसिव ऑफ जी एस टी प्लस द ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड द पेमेंट कैन बी मेड बाई यूजिंग डेबिट कार्ड्स रुपी वीजा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो क्रेडिट कार्ड्स यूपीआई इंटरनेट बैंकिंग आई एम पी एस कैश कार्ड्स और मोबाइल वैलेट्स अब हम बात करते हैं apply, कैसे apply करना है? तो मैंने पहले ही बताया कि डेट जो है लास्ट वो है टेंथ फेब्रुवरी एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे करना है आपको फिर आप उसके बाद इसे अप्लाई कर सकते हैं इसके वेबसाइट पर जाकर तो इसका जो वेबसाइट है वो दिया हुआ है स्लैश स्लैश एल आई सी इंडिया डॉट इन स्लैश बॉटम हाइफ इन लिंक स्लैश करियर्स एंड नो अदर मीन और मोड तो कि फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मैंने आपको जनरल रिक्वायरमेंट बता दिया है मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर फ्रेंड्स एंड इसमें और भी बाकी की चीज़ें थी सेंटर भी है और बाकी सारी चीजें हैं वो आप देख लेंगे मैं आपको पीडीएफ का लिंक तो दे ही दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ओके फ्रेंड्स एंड मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ एक्चुअली मैं अपनी सीटेट के एग्जाम में बिजी थी एंड आपको कंटिन्यू रेगुलर इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे जॉब से रिलेटेड एंड मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ